नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अमिन 24 न्यूज़। दोस्तों, लाइव तस्वीरें करनाल के कनेश्वर मंदिर से, जहां पर आपको बता दें आज 22 जनवरी को अयोध्या के अंदर जो है किस तरीके से जो प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो है एक बड़ा कार्यक्रम वहां पर होने जा रहा है, और किस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरों में करनाल के कनेश्वर मंदिर जो कि करनाल के सेक्टर 7 के पास ही स्थित है, वहाँ पर कुछ ही देर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है पहुँचेंगे और एक लाइव प्रसारण भी जो है यहाँ पर दिया जाएगा सीधा अयोध्या से, जिसे फिलहाल जो प्रधानमंत्री भी वहां पर मौजूद होंगे और किस तरीके से वहां प्राण प्रतिष्ठा का पूरा कार्यक्रम रहने वाला है उसे फिलहाल लाइव प्रसारण उसका खुद देखने के लिए पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। देख सकते हैं मौके पर जो सभी अन्य जो अधिकारी हैं वो भी यहां पर फिलहाल ज़रूर जो है अभी पहुँचने वाले हैं कुछ ही देरों के अंदर, और कुछ ही देरों के अंदर जो मुख्यमंत्री है वो भी पहुँचने वाले हैं कनेश्वर मंदिर। देख सकते हैं लोग जो है फिलहाल यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं, तैयारियाँ सब हो चुकी हैं और काफ़ी बड़ा जो पंडाल है लगाया गया है कनेश्वर मंदिर के अंदर, और बाहर की भी कुछ तस्वीरें दिखाने का आपको प्रयास करता हूं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो लगातार काफी संख्या में पहुंच रहे हैं और किस तरीके से पूरे देश के अंदर जो है एक उत्साह की उमंग जो है वो देखने को मिल रही है, और ऐसे में फिलहाल देख सकते हैं जो लोग हैं तो यहाँ पर जो लोग हैं वो भी काफ़ी संख्या में आ रहे हैं। सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम जो है वो यहाँ पर किए गए हैं, देख सकते हैं सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम जो है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं, और किस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी खूबसूरत जो यहाँ पर एक पेंटिंग भी देखने को मिल रही है श्री राम की, आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, और यहाँ पर कनेश्वर मंदिर के अंदर देख सकते हैं काफ़ी अच्छी साज सजावट भी की गई है आज के दिन, और कुछ ही देर के अंदर मुख्यमंत्री भी यहाँ पहुँचेंगे, सभी आला अधिकारी जो अफसर हैं वो भी मौके पर देख सकते हैं मौजूद है। करनाल के कनेश्वर मंदिर की लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पर श्री राम की एक बड़ी जो तस्वीर है वो सामने ज़रूर लगाई गई है, और देख सकते हैं लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा संख्या के अंदर करनाल के कनेश्वर मंदिर में पहुंच रहे हैं, क्योंकि एक लाइव प्रसारण होना है सीधा अयोध्या से, जिसे फिलहाल मुख्यमंत्री खुद ब खुद जो है वो देखेंगे और प्रधानमंत्री भी जो है उसके अंदर जो है उस पूजा के अंदर प्राण प्रतिष्ठा की जो होनी है उसकी उसी पूजा के अंदर जो है वो खुद उसके अंदर शामिल होने वाले हैं, और उनका एक लाइव प्रसारण यहाँ पर अभी होना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सुरक्षा के भी काफ़ी कड़े इंतज़ाम यहाँ पर कर दिए गए हैं, सभी से निवेदन है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। दूसरी ओर भी देख सकते हैं काफ़ी अच्छी जो साज सजावट है देख सकते हैं यहाँ पर की गई है, और काफ़ी खूबसूरत देखते हैं श्री राम की यहाँ पर जो देख सकते हैं जिस तरीके से एक पत्थर से जो है हाथ की जो कलाकारी है वो यहाँ पर ज़रूर देख सकते हैं, जो हनुमान है उनकी यहाँ पर आप कलाकारी जो है फिलहाल ज़रूर देख पा रहे हैं। सामने की ओर आप देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छी अच्छी जो पेंटिंग्स है यहाँ पर जो श्री राम है देख सकते हैं वो किस तरीके से यहाँ पर ज़रूर हैं लक्ष्मण के साथ, और बहुत ही खूबसूरत, और ये देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छी तरीके से ये देख लीजिए, अगर हम इस ओर देखते हैं तो आपको दिखता है यहाँ पर जो मंदिर है राम मंदिर, और अगर थोड़ा सा इस तरफ आते हैं तो आपको तब तस्वीर दिखती है श्री राम की। तो आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर ये पेंटिंग आप देख रहे हैं बहुत ही शानदार यहाँ पर तैयार की गई है, और इधर देख लीजिए हाथों से तैयार किया हुआ यहाँ पर जो राम मंदिर है उसकी यहाँ पर बता दें कि ये कपड़े से तैयार की हुई एक पेंटिंग यहाँ पर देख रहे हैं, और काफ़ी खूबसूरत तरीके से जो है ये कनेश्वर मंदिर को सजाया गया है आज, और सभी से निवेदन है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। 22 जनवरी 2024 को लोगों के लिए एक बड़ा जो है उत्साह का दिन है, क्योंकि राम मंदिर जो है आज उसकी प्राण प्रतिष्ठा जो है प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा जो है वहां पर होनी है, और फिलहाल सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम जो है हर तरफ से ही पूरी चाक चौबस तरीके से यहां पर जो पुलिस है वो भी पूरी ध्यान से जो है अपनी ओर से पूरी सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम जो है उन्हें करते हुए ज़रूर नज़र आ रही है। सभी से निवेदन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो आप देख सकते हैं बुद्धा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है उनकी तरफ से जो बच्चों ने राम मंदिर की यहाँ पर किस तरीके से तस्वीर बनाई है, देख सकते हैं राम मंदिर कितने खूबसूरत तरीके से बनाया गया है यहाँ पर, वाकई में ही बहुत ही देखने योग्य है और प्रशंसा करने योग्य भी ज़रूर है, क्योंकि 500 वर्षों का संघर्ष भी यहाँ पर ज़रूर देख सकते हैं लिखा हुआ है। तो सभी से निवेदन है वीडियो को शेयर करें, काफ़ी मेहनत से बनाया हुआ है, किन बच्चों ने बनाया है उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो बुद्धा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है वहीं से बात करेंगे, क्या नाम है आपका और आपने बनाया? हाँ जी, मेरा नाम मुस्कान है और मैं थर्ड ईयर में हूँ। हाँ जी, तो ये कितना समय लगा इसे बनाने में? इसको 4 से 5 दिन लगे हैं। 4 से 5 दिन? हाँ जी।
है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसे बनाया है, कोई सोच भी रखी होगी, कैसा लग रहा है? आज 22 जनवरी का दिन है और राम मंदिर की वहाँ प्राण प्रतिष्ठा जो है, प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो आपने इसे बनाया, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के लिए? सर बहुत अच्छा लग रहा है, और हमने जैसे इसमें हम सबका एक अपना थॉट प्रोसेस है कि हम आज के दिन को कैसे सेलिब्रेट करते हैं, कैसे दर्शाते हैं, तो इसके पीछे क्या थॉट रहा है कि जैसे हम सबका 500 इयर्स का जो स्ट्रगल रहा था, तो हम इसकी नींव है, जैसे हमने इसके नीचे वाला पोर्शन दिखाया, तो वो सारा हम सबका नींव है जो जिसके सपोर्ट के थ्रू ये मंदिर खड़ा हुआ है, जो बहुत गहरी है, जो किसी को दिखाई नहीं देती, ये वो वाली नींव है और उसके सपोर्ट पे सारा मंदिर आज खड़ा हुआ है, जो हम सब ने स्ट्रगल किया वो आज सफल हो। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर जो स्ट्रगल किया यानी कि इतने समय से जो संघर्ष किया उसकी जो नींव है वो देख सकते हैं यहाँ पर, वो करते करते आज राम मंदिर जो है यहाँ पर तैयार हो गया है। सबकी भावनाएं इससे जुड़ी हुई हैं, पीछे काफी खूबसूरत पेंटिंग भी यहाँ पर है, और बता दें इधर भी आप देख सकते हैं श्री राम और जो लक्ष्मण है आपको तस्वीरों में देख पा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग जो बुद्धा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है कॉलेज उनकी तरफ से यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा जो है यहाँ पर तस्वीरें जो हैं आज लगाई गई हैं, और इधर भी आप देख सकते हैं जो सभी स्टूडेंट्स हैं बुद्धा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के, उन्होंने काफ़ी खूबसूरत तरीके से यहाँ पर। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, कुछ ही देर के अंदर मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचने वाले हैं, काफ़ी अच्छा जो यहाँ पर जो पेंटिंग्स हैं वो जो है एक कॉलेज की तरफ से उसके स्टूडेंट्स ने बनाई हैं और यहाँ लगाई हैं, तो सभी से निवेदन वीडियो को शेयर करें, फिर से जुड़ेंगे AP24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।